संभल एक दिन की कोतवाल। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर आज यूनिसेफ और प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल पर स्कूली बच्चों को पुलिसिंग सिखाई गई और चंदौसी कोतवाली को एक दिन की नई कोतवाल भी मिल गई। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बना विश्व स्तरीय संगठन यूनिसेफ आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाता रहता है। इसी कड़ी में आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया है, जिसके तहत प्रदेश भर में स्कूलों के बच्चों को पुलिसिंग सिखाई जा रही है। संभल में भी इसके लिए चंदौसी कोतवाली को चिन्हित करते हुए आज एक स्थानीय स्कूल की छात्रा आकांक्षा भार्गव को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की बागडोर SP संभल यमुना प्रसाद संभाले हुए थे। वहीं CO चंदौसी अशोक कुमार सिंह छात्रा आकांक्षा भार्गव को पुलिसिंग की बारीकियों से अवगत करा रहे थे। चंदौसी ने पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य को बारी बारी से छात्रा को समझाया और उसके बाद उनको पुलिस के ऑफिस में घूमते हुए वहां होने वाले कार्य से भी अवगत कराया। वहीं एक दिन की चंदौसी कोतवाल बनी आकांक्षा भार्गव ने आज का अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगी और उसने यहां आकर पुलिस द्वारा किए जाने वाले काम की बारीकियों को सीखने का अवसर मिला है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। संभल से कृपाल सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकांक्षा भार्गव है। आपके लिए एक कोतवाल बनाया गया है तो कैसा लग रहा है आपके लिए और क्या क्या समस्या की है आपने? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे CM जी ने लिया है मिशन शक्ति के अंतर्गत यूनिसेफ के साथ। और इसमें मुझे लगता है कि एज अ नॉर्मल पर्सन मैं यहाँ आके आज ऐसे छोटी जिंदगी जी रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यहाँ की फंक्शनिंग काफ़ी स्मूथ है तो बाहर से जब हम देखते हैं तो हम थोड़ा घबराते हैं अंदर आने में। तो इससे शायद लोगों को जैसे आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ आई हैं उनकी हिचक खुली है कोतवाली में आने की, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आपको कैसा लग रहा है आज आप इस पद पे बैठे हो? मुझे मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है और थ्रिलिंग है और काफ़ी कुछ नया पता चल रहा है कि कैसे फंक्शन होता है, क्या 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 कार्यालय में होता है, डाकघर होता है, महिला का अलग से हेल्प डेस्क होता है, तो काफ़ी कुछ नया पता चल रहा है। तो मेरे तो एक्साइटिंग। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आप यहाँ बेहिचक आ सकते हैं। पुलिस वालों को देख कर डरिए मत और आके अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, सुनते हैं। जब से मैं आई हूँ 3-4 केसेस ऑलरेडी मेरे सामने सॉल्व हो चुके हैं, तो आप डरिए मत और आइए। चंदौसी में एक दिन की कोतवाल बनाई गई है। आज चंदौसी थाना में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में आकांक्षा भार्गव जी हैं हमारे साथ में और इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया है एक दिन के लिए। इन्हें थाने की वर्किंग देखना और थाने के जो कार्य प्रणाली होती है उसको एक्सेप्ट करते हुए जनता में, खासकर महिलाओं में, बच्चियों में एक संदेश देना कि महिलाएं भी फ्रीली अपनी बात रखने के लिए थाने में आ सकती हैं, अपनी समस्याओं को रख सकती हैं और ये जो फील करेंगी उसको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी अपनी महिलाओं में, अपने कलीग में, अपने परिवार में, जिससे एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जनता में और जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा संरक्षा देने वाली जो एजेंसी है वो उनके साथ एकदम फैमिलियर रूप में रहती है और अच्छे से काम करती है और फ्रीली उनके साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस बात के लिए ही आज एक दिन के लिए महिला को ही पूरे उसका कार्यप्रणाली का अध्यक्ष बनाया गया है थाने के, जिससे कि ये मैसेज आए लोगों में जो थाने आने से हिचकते हैं या अपनी बात फ्रीली नहीं रख पाते हैं, वो घरेलू हिंसा हो या पारिवारिक प्रताड़ना हो, रेप हो, ई टीजिंग हो या किसी तरीके का मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ हो, जो महिलाओं के साथ होने वाला अपराध है उसमें एक सशक्त भूमिका निभाएंगी ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ऐसा हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। सर आपके साथ अपना अनुभव साझा किया, कैसा बता रही हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक बता रही हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इन फ्यूचर कुछ खुद भी और आने वाले अपने परिवार के या अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करेंगी कि जिससे वो पुलिस सर्विसेज में आए, जिससे अधिक से अधिक लोग महिलाओं की पुलिस में भागीदारी हो और महिलाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन के उनका सशक्त निराकरण कर सके।